मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजय नगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने विज्ञान का जो शिक्षण विषय है जीव विज्ञान, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। पीछे वाले वीडियो के अंदर अपने उसकी जो शिक्षण सहायक संसाधन थे जीव विज्ञान के, उसका अध्ययन किया था। तो उसमें समुदाय के अंदर जो शैक्षिक संसाधन होते हैं उनका अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज अपने इसके अंदर नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज अपना जो विषय तो जीव विज्ञान ही है, टॉपिक अपना रहेगा साइंस क्लब, जिसको विज्ञान क्लब कहते हैं। तो अपने साइंस क्लब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो साइंस क्लब जो है, इसके बारे में आपने सुना होगा पहले भी। तो जो माध्यमिक स्तर के स्कूल होते हैं या जो माध्यमिक स्तर के स्कूल हैं उनके अंदर वैज्ञानिक जो गतिविधियां हैं या विज्ञान से संबंधित जो शैक्षणिक कार्य हैं उनको संचालित करने के लिए, उनको अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से संचालन करने के लिए एक प्रकार की समिति बनाई जाती है। तो उस समिति को ही अपने विज्ञान क्लब कहते हैं। कहने का मतलब ये एक प्रकार की समिति है, इसमें कुछ सदस्य होते हैं जो मिलकर के विज्ञान से संबंधित जो कार्य हैं, जो योजनाएं हैं या विज्ञान से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके ऊपर कार्य करते हैं। तो अपने इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि विज्ञान क्लब के पहले तो अपने अगर परिभाषा की बात करें, फिर इसके बाद अपने पढ़ेंगे विज्ञान क्लब जो इसके उद्देश्य के हैं, फिर अपने पढ़ेंगे इसका संगठन कैसे किया जाता है, मतलब इसको बनाने के लिए कौन कौन इसके अंदर मेंबर होते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे कार्य करती है, इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसकी परिभाषा देखते हैं। तो विज्ञान क्लब की परिभाषा में अपने ये बात बतानी है कि माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय होते हैं उनके अंदर एक प्रकार की एक समिति बनाई जाती है, और इस समिति के अंदर शिक्षक जो होता है उसको भी रखा जाता है, लेकिन कार्य जो है मुख्य रूप से बच्चे करते हैं। शिक्षक की देखरेख में बच्चों के द्वारा या बच्चे स्वयं इस समिति को या इस क्लब को चलाते हैं। तो बच्चे इसमें अपने स्तर पर कार्य करते हैं, शिक्षक का मार्गदर्शन रहता है। अब बच्चे जो स्वयं कार्य करते हैं इसके अंदर विज्ञान से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं उनको करते हैं, तो उनमें कई प्रकार की क्षमताओं का विकास भी होता है, जैसे वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने की क्षमता उनमें विकसित हो जाती है, और छात्रों की जो रुचियाँ हैं, जो भी क्षमताएँ हैं वो इस क्लब के द्वारा जो है विकसित होती है उनके अंदर। ठीक है, कुछ बच्चों की कुछ रुचियाँ होती हैं विज्ञान से संबंधित, वो उनको जो है उजागर नहीं कर पाते हैं, तो विज्ञान क्लब जो है उनको मौका देता है अपनी रुचियों को जो है उजागर करने का और उनको विकसित करने का, क्योंकि बच्चे विज्ञान क्लब के अंदर मिलजुल करके कार्य करते हैं और जिससे उनमें रुचियाँ जो है वो बढ़ती है, और विज्ञान के प्रति उनका दृष्टिकोण भी सकारात्मक होता है, और सकारात्मक दृष्टिकोण होने के कारण उनमें चिंतन शक्ति भी बढ़ती है, नेतृत्व की क्षमता भी आती है। तो कहने का मतलब विज्ञान क्लब जो है वो विज्ञान के बच्चों को एक अपने कह सकते हैं प्लेटफॉर्म देता है अपनी विज्ञान के प्रति रुचियों को, क्षमताओं को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने का और मिलजुल के कार्य करने का, नेतृत्व की क्षमता का भी विकास विज्ञान क्लब जो है करता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि विज्ञान क्लब एक ऐसी समिति, ऐसा क्लब है जो बच्चों के अंदर विज्ञान से संबंधित गतिविधियों और क्षमताओं को विकसित करने में उनकी सहायता करता है। ठीक है, इसकी परिभाषा हो सकती है कि ऐसी समिति, ऐसी संस्था विद्यालय के अंदर जो बच्चों में विज्ञान से संबंधित गतिविधियों, क्षमताओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने में उनकी सहायता करती है। अब इसके बाद अपने इसके उद्देश्य पढ़ने हैं, विज्ञान क्लब के उद्देश्य। उद्देश्य पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि कोई भी बच्चा है या कोई भी शिक्षक है, वो जो बच्चे को पढ़ाता है और बच्चा जब उसको सीखता है तो उसमें दो चीज़ें मुख्य रूप से देखते हैं अपने, एक तो करके सीखना और एक समय सीखना। तो जब बच्चा करके सीखता है या समय सीखता है तो उसका ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है। तो विज्ञान क्लब जो है उसका मुख्य उद्देश्य यही है
समय सीखना और करके सीखना। तो इसमें बच्चा समय और करके सीखता है। अब विज्ञान क्लब बनाया जा रहा है, इसके उद्देश्य क्या है, अपने एक एक करके डिस्कस करेंगे। विज्ञान क्लब के उद्देश्य, मतलब इसको क्यों बनाया जाता है स्कूलों के अंदर, विज्ञान क्लब का बनाने का विज्ञान क्लब को उद्देश्य क्या रखते हैं। पहला उद्देश्य अपने पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है। तो विज्ञान क्लब जो होगा ये संचालित किया जाएगा बच्चों के द्वारा शिक्षक के मार्गदर्शन में। शिक्षक इसमें सिर्फ मार्गदर्शन करेगा और बच्चे जब वैज्ञानिक ढंग से कार्य करेंगे इस क्लब के अंदर, तो उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा, विज्ञान के प्रति उनमें रुचि बढ़ेगी, ठीक है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा क्योंकि बच्चे विज्ञान से संबंधित कार्य जब समय करेंगे तो उनमें विज्ञान के प्रति रुचि आएगी और वैज्ञानिक रूप से कार्य करने की क्षमता विकसित होगी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो अपने विज्ञान अपने को बताती है, इनको अपने घर पर भी बनाया जा सकता है। तो जब इस तरह के कार्य बच्चे करेंगे विज्ञान से जुड़े हुए, कुछ नई चीज़ें बनाएंगे विज्ञान के आधार पर जो विज्ञान बनाने का तरीका बताती है, तो उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा, वैज्ञानिक तरीके से कार्य करने की क्षमता उनके अंदर आ जाएगी। तो विज्ञान क्लब का ये मुख्य उद्देश्य है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, ताकि कोई भी कार्य बच्चा करे तो वैज्ञानिक ढंग से करे। वैज्ञानिक ढंग से करेगा तो उसमें कार्य करने की क्षमता जो है वो विकसित हो जाएगी और उसको समस्या नहीं होगी। दूसरा है विज्ञान में रुचि। अब बच्चों की विज्ञान के अंदर रुचि बढ़ती है विज्ञान क्लब के अंदर, जब बच्चे सदस्य बन के कार्य करते हैं मिलजुल के, तो विज्ञान से संबंधित जब बच्चे कार्य करेंगे तो उनके अंदर विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी। तो विज्ञान जो है बच्चों को कठिन सब्जेक्ट लगता है, तो इसलिए उनको ये कठिन ना लगे सरल लगे, इसलिए विज्ञान क्लब बनाया जाता है, ताकि विज्ञान क्लब में बच्चे जब मिलजुल के कार्य करेंगे तो उनमें विज्ञान से विषय के प्रति रुचि बढ़ेगी और वो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो विज्ञान विषय में रुचि बढ़ाने के लिए भी विज्ञान क्लब का कहने का मतलब जो है निर्माण किया जाता है। फिर है वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने की आदत। अब जब बच्चे विज्ञान क्लब के अंदर कार्य करेंगे एक दूसरे की देखरेख में या शिक्षक की देखरेख में, तो उनमें वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने की आदत का विकास होगा। वो फिर अपने दैनिक जीवन में जो कार्य करेंगे विभिन्न प्रकार के, ठीक है, तो दैनिक जीवन के अंदर जो कार्य करेंगे वो भी वैज्ञानिक ढंग से करने की आदत उनमें आ जाएगी। तो विज्ञान क्लब बच्चों में वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने की आदत डालता है, बच्चे अपने दैनिक जीवन के कार्य भी वैज्ञानिक ढंग से करने लगते हैं। इसके बाद अवकाश का सदुपयोग। अब जब बच्चे कक्षा कक्ष में अध्ययन करते हैं तो शिक्षक उन्हें अध्ययन करवाता है, तो कई बार कोई क्लास जो है वो रिक्त होता है या बच्चे अवकाश होता है बीच में, तो उस अवकाश के समय जो बच्चे हैं अगर विज्ञान क्लब बना हुआ है उसके सदस्य बने हुए हैं, तो वो उस अवकाश के समय का सदुपयोग विज्ञान क्लब के जो कार्य हैं उनको करने में कर सकते हैं, ठीक है। तो अवकाश कभी भी उनको मिलता है, आधे घंटे का घंटे का बीच में छुट्टी होती है या छुट्टी के बाद, तो जो उनको अवकाश है वो अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकते हैं। अगर वो विज्ञान क्लब के सदस्य नहीं है तो हो सकता है वो अपने अवकाश के समय का दुरुपयोग करें, गलत आदतों के अंदर समय बिताएं। तो इसलिए अच्छा है कि बच्चा जो है वैज्ञानिक क्लब का सदस्य होगा विज्ञान क्लब का, तो वो अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करेगा, विज्ञान क्लब के जो क्रियाकलाप हैं जो कार्य हैं उनको करने में वो अपने अवकाश के समय को बिताएगा। तो ये भी इसका उद्देश्य है कि बच्चे अवकाश के समय में अच्छे कार्य में लगें, विज्ञान से संबंधित गतिविधियाँ करें, गलत दिशा में ना जाएं। फिर के बाद रुचियों व क्षमताओं को जागृत करना। तो जब बच्चे विज्ञान क्लब के अंदर कार्य करते हैं तो उनमें रुचियाँ उत्पन्न होती हैं, विज्ञान के अंदर बहुत सारे क्षेत्र होते हैं अलग अलग, तो बच्चे की विज्ञान के किसी भी क्षेत्र के प्रति विशेष क्षेत्र में रुचि बढ़ सकती है। जब वैज्ञानिक ढंग से कार्य करेंगे उनको विज्ञान के जो है उपयोग दैनिक जीवन में क्या है, विज्ञान के अंदर क्या क्या आविष्कार हो रहे हैं, क्या क्या प्रयोग हो रहे हैं, उनके बारे में जब बच्चे अध्ययन करेंगे विज्ञान क्लब के अंदर एक दूसरे से मिलकर कार्य करेंगे, तो उनमें रुचियाँ बढ़ेंगी विज्ञान के प्रति, विज्ञान के द्वारा कौन कौन सी वस्तुएं किस प्रकार बनाई जा सकती है जिनका अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करते हैं, उस प्रकार की रुचियाँ बनेंगी और क्षमताएं बच्चों में क्षमता विकसित होगी, ठीक है। पॉजिटिविटी आएगी बच्चों के अंदर भी, मैं भी ये कार्य कर सकता हूँ। बच्चों के अंदर नेगेटिविटी रहती है कि ये कठिन सब्जेक्ट है इसको मैं नहीं पढ़ सकता, ये कठिन कार्य है इसको मैं नहीं कर सकता, तो जब बच्चे विज्ञान क्लब के अंदर मिलजुल के कार्य करते हैं तो उनमें क्षमताएं विकसित होती हैं, किसी भी कार्यक्रम को करने की क्षमता आ जाती है, उनमें पॉजिटिविटी रहती है और रुचियां जो है विज्ञान के प्रति उनमें
बढ़ जाती है, जागृत हो जाती है। तो ये विज्ञान क्लब का उद्देश्य है, रुचियों में क्षमताओं को जागृत करना विज्ञान क्लब का उद्देश्य माना जाता है। इसके बाद अपने पास अगला है चार्ट मॉडल बनाने के अवसर। चार्ट और मॉडल शिक्षण सहायक सामग्री में अपने पढ़ा था, चार्ट और मॉडल जो है ये दृश्य सहायक सामग्री थी अपने इसमें पढ़ चुके हैं पहले। तो बच्चे विज्ञान क्लब के अंदर विज्ञान से संबंधित चार्ट मॉडल ठीक है बनाते हैं, विज्ञान से संबंधित जो होते हैं, और वो जब ये बनाते हैं इनको बनाने के उनको अवसर मिलते हैं, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण ठीक है और अभिक्षमताओं का विकास होता है ठीक है। तो जब चार्ट मॉडल विज्ञान से संबंधित बच्चे विज्ञान क्लब के अंदर बनाएंगे तो उनमें वैज्ञानिक अभिक्षमताओं का विकास होगा, और वो अपने अंदर जो कला है बच्चे चार्ट मॉडल बनाने के उसको ज़्यादा सुधार सकते हैं, निखार सकते हैं। इसके बाद है समय कार्य करने की आदत। विज्ञान क्लब के अंदर बच्चे समय कार्य करते हैं शिक्षक की देखरेख में ठीक है, और आपस में भी मिलजुल कर अलग अलग बांट करके कार्य करते हैं ठीक है। सभी बच्चे जब खुद कार्य करते हैं तो उनमें समय कार्य करने की आदत आती है, वो दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहते। अगर बच्चा समय कार्य करेगा दूसरों पर डिपेंड नहीं रहेगा तो उसमें जो है मानसिक शक्तियों का विकास ज़्यादा होगा, पॉजिटिविटी ज़्यादा रहेगी और वो बच्चा अपने आप को ऐसा ही महसूस नहीं करेगा ठीक है, उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो जब बच्चा समय कार्य करने की आदत को विकसित कर लेगा तो आत्मविश्वास बढ़ने से और जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएगा सफल रहेगा। इसलिए विज्ञान क्लब जो है समय कार्य करने की आदत डालता है। अगर विज्ञान क्लब के अंदर बच्चा सदस्य नहीं है, भाग नहीं लेता है, तो हो सकता है उसमें समय कार्य करने की आदत ना हो, वो कक्षा वक्त के अंदर जो भी कार्य करवाया जाता है वो नकल करके दूसरे बच्चे की कॉपी से काम कर सकता है। लेकिन जब विज्ञान क्लब के अंदर बच्चे को समय कार्य करना पड़ेगा तो उसमें समय कार्य करने की आदत बन जाएगी और वो उसमें आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। इसके बाद है अध्यापक के संपर्क में रहना। जब बच्चे विज्ञान क्लब के सदस्य बनकर के कार्य करते हैं तो उनमें विज्ञान शिक्षक जो है उसके संपर्क में रहते हैं, और जब बच्चे शिक्षक के संपर्क में रहते हैं तो उनके अंदर ज्ञान में भी वृद्धि होती है, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान शिक्षक आसानी से निकाल सकता है। तो विज्ञान क्लब का यह भी उद्देश्य है कि बच्चे अध्यापक के संपर्क में रहें। तो कक्षा कक्ष के अंदर ही जो ज्ञान दिया जाता है वही ज्ञान भी होता है, शिक्षण के अंदर कक्षा कक्ष और कक्षा कक्ष के बाद का ज्ञान भी आता है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। अब बच्चे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन शिक्षक के संपर्क में रहकर के ज़्यादा आता है, शिक्षक जो है कक्षा कक्ष के बाद भी बच्चे के संपर्क में रहता है, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शिक्षक बच्चे को बताते हैं जिससे बच्चे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन आ सकते हैं। इसलिए विज्ञान क्लब का यह भी उद्देश्य है कि अध्यापक के संपर्क में रहेगा बच्चा। फिर नेतृत्व के अवसर। विज्ञान क्लब के अंदर बच्चों को ही नेतृत्व करना होता है और बच्चों को ही कार्य करना होता है, तो इसमें जो टीम होगी उसका एक लीडर होगा या कह सकते नेता होगा जो उस पूरी टीम का नेतृत्व करेगा ठीक है। तो रोज कार्य करेंगे जब टीम, तो रोज एक ही नेता नहीं होगा, हो सकता है अलग अलग रोज एक बच्चा नेतृत्व करे, दूसरा बच्चा नेतृत्व करे। इस प्रकार जो विज्ञान क्लब के सदस्य हैं बच्चे उनमें नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है। मतलब नेतृत्व कैसे करना है, जब अपने सहपाठियों को नेतृत्व करने की क्षमता आ जाएगी तो फिर वो पूरी क्लास का नेतृत्व करने की क्षमता भी उनमें आ जाएगी। जब पूरी क्लास का नेतृत्व करना सीख देंगे तो फिर कक्षा कक्ष के बाद किसी बड़े समूह का नेतृत्व करने की क्षमता भी उनमें, या अपने परिवार का नेतृत्व करने की क्षमता भी उनमें आ जाएगी। तो इस प्रकार नेतृत्व के अवसर या समय कार्य करने के अवसर विज्ञान क्लब देता है, मतलब ये इसका उद्देश्य है। फिर वैज्ञानिक अभिरुचियों के प्रति रुचि पैदा करना। तो वैज्ञानिक अभिरुचियाँ होती हैं उनके प्रति रुचि पैदा करता है विज्ञान क्लब। अब वैज्ञानिक अभिरुचियाँ जो होती हैं जैसे विज्ञान से संबंधित कुछ क्रियाकलाप है या कुछ सामान ऐसा है जो विज्ञान के जो है नियमों के अनुसार बनाए जा सकते हैं, जैसे साबुन बनाना, साई का निर्माण करना ठीक है। तो ये कार्य जब बच्चा समय करेगा विज्ञान के अंदर तो उनमें वैज्ञानिक अभिरुचि जो है उसके प्रति रुचि पैदा होगी, मतलब विज्ञान के अंदर कैसे कार्य किया जा सकता है, कैसे वस्तुएं बनाई जा सकती है। तो वैज्ञानिक अभिरुचियाँ जो है वो भी इसके द्वारा बच्चे में पैदा की जा सकती है। तो ये है विज्ञान क्लब के उद्देश्य ठीक है। तो आप इसको थोड़ा और डिटेल में भी कर सकते हैं। तो अगर अपने साइंस क्लब
टॉपिक आ जाता है पेपर में, तो आपने उद्देश्य ये इनका थोड़ा थोड़ा वर्णन करके फिर इसके बाद अपने अपने आगे बढ़ेंगे इसका संगठन। तो उद्देश्य के अंदर आपने ये हेडिंग बना के इसका वर्णन कर देना है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है, विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करता है, वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने की आदत पैदा करता है, विज्ञान क्लब अवकाश के समय का सदुपयोग करने का एक अवसर देता है विज्ञान क्लब, ठीक है, रुचियों आवश्यकताओं को जागृत करता है विज्ञान क्लब, चार्ट मॉडल बनाने के अवसर देता है बच्चों को विज्ञान क्लब, समय कार्य करने की आदत डालता है बच्चों के अंदर विज्ञान क्लब, अध्यापक के संपर्क में रहना सिखाता है बच्चों को विज्ञान क्लब, नेतृत्व के अवसर देता है बच्चों को विज्ञान क्लब, वैज्ञानिक अभिरुचियों के प्रति रुचि पैदा करता है विज्ञान क्लब। तो ये उद्देश्य है इसके विज्ञान क्लब के, ठीक है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके या इसको लिख करके अच्छे से इसके बारे में देख सकते हैं। अब अपने इसका करेंगे विज्ञान क्लब के उद्देश्य के बाद अपना आगे होगा विज्ञान क्लब का संगठन, इसका अपने संगठन कैसे करते हैं। तो विज्ञान संगठन जो है साइंस जो क्लब है इसका जो संगठन है वो संगठन किस प्रकार किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से सदस्य होंगे, ठीक है, सदस्यों की संख्या क्या रहेगी, सदस्यों का जो है कार्य विभाजन मतलब उनको कौन कौन से कार्य के सदस्य को दिए जाएंगे, इसके बारे में बड़े विस्तृत रूप से कल वाली वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। तो आज वाली वीडियो के अंदर है उद्देश्य, कल वाली के अंदर अपने पढ़ेंगे विज्ञान क्लब का संगठन, मतलब उसको बनाने के लिए क्या क्या सदस्य होते हैं, उनकी जिम्मेवारियाँ क्या रहती हैं, सदस्यों की संख्या क्या है, फिर उनके कार्य क्या है, फिर विज्ञान क्लब का महत्व क्या है, ये अपने कल वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।